हेलो एंड वेलकम गाइस समिट कब से रिलेट करते हुए कई तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से एक वैरायटी जो काफी इंटरेस्टिंग है मैं आपको दिखाता हूं अभी नॉर्मली अगर आप क्वेश्चंस को देखो तो समिट कर्व के लेंथ के क्वेश्चंस तो बहुत ही कॉमन है बट कुछ अनकॉमन क्वेश्चंस जो डेरिवेशन से रिलेट करते हैं वैसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में समिट कर्व का नाम लिखा नहीं है तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको पहचानना है कि समिट कर्व कर्व है है या वैली ग्रेडियंट की अरेंजमेंट मतलब कि फर्स्ट ग्रिंट एन वन और सेकंड ग्रिंट एन टू को अरेंज करके आप इजिली पहचानना जानते हो वो समिट होगी या वैली होगी फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिसिक वर्टिकल कर्व इज बिंग डिजाइंड

प्लस 5 परसेंट आई विल राइट हियर प्लस जीरो टू जीरो इट इज माइनस थ्री परसेंट विच इज माइनस जीरो वहीं पे एल एस लेंथ ऑफ समिट कर आपको मालूम है कि जब एन वन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से मिट करेगी तो समिट फॉर्मेशन करेगी तो ये है 400 मीटर अब यहां पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसको देखें द वर्टिकल पॉइंट ऑफ करवेचर वीपीसी इज लोकेटेड एट द रोड ऑफ ग्रेन

फर्स्ट ग्रेंट अगर ग्रेटर हो एंड टू से असेंडिंग और डिसेंडिंग में अगर ऐसा हो तो उसके और उसमें भी टाइप होगा वो एंड पॉइंट एंड डिसेंडिंग विल मीट इन दिस वे सो अब यहां से मीट कराएंगे यू विल सी लुकिंग समथिंग लाइक दिस नाउ द एंड पॉइंट इज वीपी द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑफ कोर्स वीपीसी वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्वेचर एंड दिसंट इज वीपीआई अब इन्होंने जो पूछा है अगर मैं इसको मार्क करूं तो सबसे पहली ग्रिंड हमें फाइव परसेंट एन वन मालूम है और ये थ्री परसेंट एन टू मालूम है नाउ इन दिस केस द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज दिस हाइट ये वाली हाइट की वैल्यू क्या है मैं इस, वे, इसकी वैल्यू मान लेता हूं वी जो हमें निकालना है बट बिफोर गोइंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू वन प्रॉपर्टी डियर डू यू रिमेंबर रिमर वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू लेंथ ऑफ टू इक्वल हाफ ये प्रॉपर्टी तो आपको याद होगा अगर हम यहां पे देखें कि लेंथ ऑफ समिट कर्व की बात करें सो वी हैव द लेंथ ऑफ समिट कर्व फ्रॉम हियर टू हियर टोटल ये हमारी हॉरिजॉन्टल पे लेंथ ऑफ समिट कर्व आई व्हिच इज इज इक्वल टू 400 मीटर बट माई डीय स्टूडेंट वेन द वर्टिकल लाइन विल पास थ्रू इट विल वीपीक्ट देंथ ऑफ कर्व इन टू इक्वल हाफ तो ये हो जाएगी टू हंड्रेड और ये भी हो जाएगी टू हंड्रेड क्योंकि प्रॉपर्टी कहता है कि जब आप वर्टिकल लाइन पास कराएंगे वीपीआई से तो पूरी कर्व जो हॉर्जेंटल बनी है वो दो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है इक्वल पार्ट अब यहां से जो हमारी 200 निकली है बस यहीं से हमारा वो हाइट का कैलकुलेशन हो जाएगा एक कॉमन साइक चीज बताता हूं कि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं इसको इक्वेशन सॉल्व करते हैं